बाल अधिकार संरक्षण को लेकर जन जागरूकता के लिए जन माध्यमों का प्रयास करना, इसी प्रयास में यह कार्यक्रम रखा गया है। कठपुतली अपने आप में एक बड़ा अट्रैक्शन है जो लोगों को अपने ओर अट्रैक्ट करती है, और जब ये अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपने लोगों के बीच में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो हम जो मैसेज देना चाहते हैं, बच्चों के बीच होने वाले लैंगिक शोषण की रोकथाम के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, और आगामी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बाल विवाह को रोकने के लिए पिछले कुछ वर्षों में बहुत प्रयास हुए हैं और आने वाले समय में भी प्रयास करना है। हम देखते हैं कि अक्षय तृतीया, रामनवमी के समय बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, इसलिए अभी से जन जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि अपने छोटे छोटे बच्चों का विवाह न करें, उन्हें पढ़ने दें, लैंगिक शोषण से बालकों को रोकें। इन सब के प्रयास के लिए यह कार्यक्रम किया गया है और किरण मोइत्रा जी अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रही हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। प्रेस क्लब में आज ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, रैली निकाली जा रही है किस तरह? और अब एक रोड शो किया जाएगा और ये रोड शो यहाँ से होते हुए घड़ी चौक तक जाएगा। ये तो रायपुर की बात हुई, लेकिन ऐसा हर जिलों में हमने इससे बातचीत की है और जिलों के बाल संरक्षण इकाइयों से बातचीत की है। हर जिलों में ये अपनी टीम लेके जाएंगे और फिर वहाँ के मेन मुख्य मार्गों से होते हुए बच्चों के बीच रोड। मैडम सामने देखेंगे इधर। हमारी कठपुतली बहुत ही बड़े रूप में है और कठपुतलियों के 5 प्रकार हमारे पास हैं जो कि हम लाइव गांव-गांव में जाकर अभियान चलाते हैं। जन जागरूकता अभियान के लिए कठपुतली बहुत ही अच्छा विषय है। बड़े बड़े लोग एक एक घंटे का लेक्चर नहीं सुनते, लेकिन छोटे से लेके बड़े तक के लोग कठपुतली देखते ही मोहित हो जाते हैं और हमारी बातें बड़ी आसानी से उनके दिलों में छप जाती हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। ये हमारा विषय छत्तीसगढ़ राज्य बाल आयोग की तरफ से है, क्योंकि सिर्फ बाल अधिकार पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, और हमारा ये जत्था पूरे प्रदेश में घूमने वाला है। बाल आयोग संरक्षण एक बहुत ही बड़ा विषय है। छोटे छोटे बच्चों के जीवन में आघात, दुर्घटनाएं, बलात्कार, शोषण, गंभीर समस्याएं घर से ही पनपती हैं और बच्चे इतने डर जाते हैं। उनके डर को ख़त्म करना है और अपने ही लोगों के बीच में जो दरिंदा बैठा है, जो उनका शोषण कर रहा है, उनको हमें सामने लाना है। बच्चों के मन से डर निकालने के लिए मैं लगभग 17 सालों से चाइल्ड लेबर पे काम कर रही हूँ और अब तो मुझे चैंपियनशिप भी हो रही है। लगातार वर्षों से 16,000 प्रोग्राम मैंने दिए हैं और कठपुतली एक जरिया, एक माध्यम सिर्फ इसलिए है कि हम अपनी बात बड़ी आसानी से बच्चों का, पूरे माता पिता के, उनके बुजुर्गों तक, पड़ोसियों तक पहुंचा सकते हैं। और हम जगह जगह बाल विवाह, भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सभी विषयों पर कार्यक्रम करते हैं। मैं यहाँ के अध्यक्ष साहब अनिल जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने मुझे प्रेस क्लब में आप सभी का साथ दिया और ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रायपुर राजधानी में कर सकूँ। मैं बिलासपुर से किरण मोइत्रा, टीम की सचिव, और हमारे टीम की तरफ से मैडम शताब्दी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बाल संरक्षण आयोग में मुझे गोद में उठा लिया और हमारी कठपुतलियाँ अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब लोगों की बातें उनको उनके लैंग्वेज में हम समझा सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी बोली हमारा छत्तीसगढ़, हमारा राज्य, हमारा देश भारत संवर रहा है, निखर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद।